हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने गार्डन के कुछ कलरफुल प्लांट्स दिखाने वाली हूँ जो गार्डन में खूबसूरती तो ऐड करते ही हैं, पर साथ ही जब गार्डन में फूल ना खिले हों तो फूलों की कमी को भी पूरा करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले ये है क्रोटोन। देखिए, ये कई कलर्स में पाए जाते हैं। ये एक और क्रोटोन और ये एक और क्रोटोन। दोस्तों, इसे पार्शियल शेड की जरूरत होती है। नंबर दो पर है ये कोडिलाइन। ये ड्रेसिना फैमिली से बिलोंग करता है। ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। ये अपने बेबी प्रोड्यूस करता है जिससे बहुत जल्दी बहुत घना हो जाता है और ऐसे डिवाइड करके कई प्लांट बना सकते हैं। ये है पॉइंटशेटिया। देखिए, इसके लाल पत्ते कितने खूबसूरत हैं। फूलों की ज़रूरत ही नहीं है, पर इसमें भी छोटे छोटे पीले रंग के फूल आते हैं। विंटर में ये लाल पत्तियाँ बन हो जाती हैं इसकी, और समर आते आते खुद ही अपने सारे लाल पत्तियों को गिरा देता है और ग्रीन पत्तियाँ रह जाती हैं। ये है रबर प्लांट। देखिए, ये भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। मैंने इससे एक प्लांट से कटिंग करके दो प्लांट बना दिए हैं। देखिए, ये पर्पल कलर की पत्तियों वाला पर्पल हार्ट प्लांट है। ये हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं आप। ये नीचे की तरफ लटकता हुआ अपने गार्डन की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। ये है रूबी प्लांट। ये लाल रंग की पत्तियों वाला बहुत ही खूबसूरत हेज प्लांट है। इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। वंडरिंग व्यू, देखिए ऊपर धारीदार प्रिंट और नीचे पर्पल कलर के पत्ते कितनी खूबसूरत लगते हैं। ये नीचे की तरफ लटकता हुआ हैंगिंग बास्केट में आपके गार्डन में खूबसूरती को चार चांद लगा सकता है। ये एक्लिफा, देखिए इसके कर्ली लीव्स यही इसकी पहचान है, और किनारी देखिए इसकी दांतों की तरह एकदम नुकीले। ये भी एक लो मेंटेनेंस प्लांट है और छोटी सी कटिंग से आसानी से लग जाता है। ये कोलियस, ये कई वैरायटीज में पाया जाता है, कई कलर्स में, और ये भी एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। छोटी सी कटिंग से आसानी से लग जाता है। समय समय पर पिंचिंग करते रहने से ये बहुत घना हो जाता है। देखिए दूसरी वैरायटी, इसकी इसे बोट लिली भी कहते हैं। इसकी भी पत्तियां ऊपर से धारीदार कलरफुल और नीचे से पर्पल कलर की होती है। एक प्लांट लगाने से अपने आप बेबी प्रोड्यूस करके कई प्लांट्स बन जाते हैं। इसे भी आप डिवाइड करके कई प्लांट्स बना सकते हैं। ये है लोरो पेटालम, इसे चाइनीज फ्रिंज भी कहते हैं। इसमें खूबसूरत वाइन कलर के फूल भी आते हैं। इसका पर्पल कलर कितना खूबसूरत लगता है। ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट है, एक बार लगा दो और भूल जाओ। ये है कैलेडियम, ये भी कई वैरायटीज में पाया जाता है। इसके पत्तों में इसकी खूबसूरती होती है। देखिए, ये बल्ब्स लगाए जाते हैं। विंटर आते आते ये अपने सारे पत्ते खत्म कर देता है और समर आते आते खुद ही नए पत्ते निकाल देता है। ये है लिपस्टिक एग्लोनिमा, इसके लाल कलर के पत्ते की खूबसूरती देखिए। ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसे आप लो लाइट में भी रख सकते हैं, पर कम लाइट में इसकी खूबसूरती नहीं रहती इतनी। ये भी अपने बेबी प्रोड्यूस करता है, इसे डिवाइड करके आप कई प्लांट बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।